तो गाइस मेरा पचौनी बनकर रेडी हो गया। तो आज का रेसिपी कैसा लगा आप लोगों को? अगर चैनल में आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पानी एकदम अच्छा से गर्म हो गया है, जब भी आप पचौनी बनाए तो पूरा हीट पानी होना चाहिए, एकदम खौलता हुआ पानी होना चाहिए और डुबाइए पानी में और तुरंत निकालिए, नहीं तो डाल के छोड़ देने से फिर ख़राब हो जाएगा, नहीं छूटेगा। देखिए तुरंत डाल के निकाले, गर्मा गर्म उसको बनाना रहता है ऐसे, तभी जाके अच्छा से साफ होगा। देखिए वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे हम साफ करें, पूरा साफ कर देंगे, पूरा वाइट कर देंगे। अगर पानी में डाल के छोड़ दिए तो फिर नहीं छूटेगा, अच्छा से साफ नहीं होगा। इसको डालिए और तुरंत निकालिए और गरम गरम पूरा एकदम बनाना रहता है। देखिए कैसे साफ हो रहा है, बहुत अच्छा से पूरा गरम गरम बहुत अच्छा छूटता है। थोड़ा सा ठंडा आ गया तो फिर नहीं छूटेगा अच्छा से। तो वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए ऐसे हम साफ करते हैं और थोड़ा बहुत रहेगा उसको हम चाकू से निकाल देंगे। देखिए कितना मस्त साफ हो रहा है। खसी का मीट और इसमें अलग अलग डिफरेंस है स्वाद में, खसी का मीट अलग स्वाद रहता है, इसका अलग स्वाद रहता है। देखिए कितना अच्छा साफ हो गया, यहाँ थोड़ा सा बच गया है इस जगह में, फिर एक बार डुबाते हैं फिर निकालते हैं। बहुत गर्म है भाई, पूरा एकदम हाथ जल जा रहा है। साफ हो गया और थोड़ा सा बच गया है, थोड़ा सा बच गया है, एक बार और पानी में डुबाएंगे, यहाँ थोड़ा सा बच गया, तो ऐसे करके डुबाते हैं थोड़ा सा। छोड़ दिया सब, कितना अच्छा सा साफ हो गया। देखिए अब कैसा लग रहा है देखने में, अब अच्छा लग रहा है ना देखने में। बहुत अच्छा साफ हो गया, अब इसको हम ठंडा पानी से धो के कटिंग करेंगे। और थोड़ा सा है ये वाला है सतघरवा, इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, इसको भी साफ करके दिखाते हैं कैसे साफ किया जाता है। पानी में डुबा दिए, निकाल दिए और गरम गरम इसको भी, ये कितना मस्त साफ हो रहा है। खाने में बहुत टेस्ट लगता है। और आज है 25 दिसंबर, बड़ा दिन, आज का वीडियो अलग होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे वीडियो, आप लोग को दिखाएंगे ये मीट बना के कहाँ ले जाएंगे, कौन खाएगा, किसका नसीब में है ये, आज पचौनी और भात किसका नसीब में है। बहुत गर्म है भाई, एकदम अच्छा से साफ करके दिखाएं, एकदम क्लीन, सात घर से ज्यादा है। किस टाइप का दिख रहा है बताइए,
कमेंट सेक्शन में बताइए किस टाइप का ये दिख रहा है। एक बार और डुबाते हैं। आ गया एकदम। सब तरह का काम जानना चाहिए इंसान को, कहीं भी सेट हो जाओगे। हाँ, कहाँ छिप छिप के कचरा है। साफ हो गया। अब खोज खोज के साफ कर रहे, कहाँ कहाँ छिपेगा, मेरे से बच नहीं पाएगा तू कचरा। छिप रहा है, कहाँ छिप रहा है। तो गाइस अच्छा से साफ हो गया, देख लिए कैसे साफ किया जाता है। आप लोग भी घर में कभी बनाइए इस तरह साफ करके। अब इसको जान ठंडा पानी से धोएंगे एकदम अच्छा से क्लीन, और कटिंग करके इसको फिर बनाते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गरम पानी से बॉयल कर दिए हैं, अब इसको हम कटिंग करते हैं। देखिए इसको कैसे किया जाता है, ऐसे ऐसे और फिर कटिंग, इस तरह से कटिंग किया जाता है। पाइप जैसा रहता है ना, देखिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइए, और ये मेरा बनाने का तरीका ठीक है कि नहीं है ये भी बताइएगा। वीडियो खाली देख के छोड़ देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते आप लोग। अरे थोड़ा मेहनत लगता है भाई वीडियो देखने में, अरे वीडियो बनाने में, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लीजिए अच्छा से पूरा कटिंग हो गया है। अब इसको जा रहे हैं हम ठंडा पानी से एकदम अच्छा से धोएंगे, इसके बाद दिखाते हैं। वीडियो में बने रही। तो गाइस बहुत अच्छा से धो दिए हैं, इसका पानी इस तरह से गिर रहा है पूरा फ्रेश अच्छा धो। अब इसको हम बनाने जा रहे, कैसे बनाते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। हम अभी बनाने जा रहे हैं खसी का पचौनी, ये सारा आइटम। तो हम दूसरे तरीका एकदम विलेज गांव तरीका से बनाते, कैसे पहले बनाया जाता है। पहले हम लेते हैं पचौनी को, गांव में हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। एक बार आप लोग भी बनाइए इस तरह से, इसका स्वाद। इसमें डालेंगे आप प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, चार मीडियम साइज का प्याज। अब इसमें डालेंगे सरसों तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना में हो जाएगा। वैसे भी तेल मसाला कम ही खाना चाहिए। ये सिलवट में पीसा हुआ मसाला है, इसमें जीरा गुलकी लहसुन गोटा गरम मसाला सब पिसा हुआ है इसमें। स्वाद अनुसार नमक, अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे।
अच्छा से मिल गया है, और जो भी थोड़ा कमी बेसी होगा उसको बाद में हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी कम लग रही थी, हम डाल देंगे बाद में। अच्छा से मिला दिए हैं, मिल गया है। अब इसको हम एक चढ़ाते हैं गैस में। हाई फ्लेम में बनाएंगे इसको, गैस को फुल कर दिए हैं। इसको आधा घंटा लगेगा थोड़ा सा उबलने में, तो वीडियो में बने रहिए। ढक्कन हटा के देखते हैं, खोल रहा है। मस्त बन रहा है। फिर इसको ढक देते हैं, एक घंटा लगेगा पूरा पकने में। तो गाइस, मेरा पचौनी बन के रेडी हो गया। दिखाते हैं कैसा बना है। देखिए मस्त मस्त बना है। तो गाइस, मेरा पचौनी बन के रेडी हो गया। तो आज का रेसिपी कैसा लगा आप लोगों को? अगर चैनल में आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।